व्यक्ति इसको करना चाहता है, एक सबसे बड़ा बहाना है भारत के आदमी के पास समय का। हर आदमी एक बात बोलता है, समय नहीं है मेरे पास। आप जिसको ये बात कहते हुए सुनते हो वो पता है अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करता है। भारत का व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है ना, टाइम नहीं है, बड़ा बिजी हुआ, मरने की फुर्सत नहीं, मतलब उस पर ऐसा लगता है मेरे से महान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं कहता हूं उससे बेकार व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कहना क्या चाह रहा है और समझ क्या रहा है अपने आप को, आप समझो तो सही। अगर कोई कहता मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा बिजी हूं, यू नो चूहा, कभी उसको आप ध्यान से देखना, आपको वो धीरे धीरे चलते नहीं मिलेगा। कभी ऐसा देखा आपने चूहे को ऐसे टेंशन? जब भी देखोगे आप वो रेस में रहता है, इधर से निकला उधर, पता है वो टाइम नहीं है उसने। और जब कोई ऐसा बोलता है तो मैं अंदर सोचता हूं यार ये व्यक्ति अपने आप को समझ गया। मैं नहीं थोड़ा टाइम के गेम को समझे? Yes. समझे? Yes. कितना टाइम दिया ऊपर वाले ने आपको? कितना? 24। अच्छा सबको 24 ही है? Yes. कोई 27 वाला तो नहीं? 24। टाटा को कितना दिया? 24। बाटा को? 24। हमें 24। Yes. और भिखारी को? 24। अच्छा उसका इंसाफ देखो आप, बहुत लोग इसका सही यूज नहीं करते, फिर भी उनको अगले दिन 24 ही देता। नहीं तो कह सकता था ये काम में नहीं लेता, इसके 20 करो, मोदी जी के 4 बढ़ाओ। वो आदमी काम कर रहा है उसको 4 एक्स्ट्रा, तो इसके 4 कम करो। लेकिन वो रोज इंसाफ के साथ आपको 24 दे देता है। गेम समझना आप टाइम का, इसी 24 घंटे में मीडियम है, इसी 24 घंटे में भिखारी भिखारी, इसी 24 घंटे में टाटा टाटा बन गया और बाटा बाटा बन गया। यानी कहने का मतलब है गेम तो 24 घंटे का ही है, एक्स्ट्रा किसी के पास नहीं है। टाटा पे ऊपर वाला खुश होकर उसने 2400 नहीं दिया, 24 दिया। अब मैं आपको इसका क्लियर करता हूं कि ये कितनी पावरफुल चीज है। हम पता है मीडियम क्यों रह गए, हमारे पास एक घंटे का भी वैल्यू नहीं है। टाटा इसलिए टाटा है, एक सेकंड का भी वैल्यू है। आप टाटा से कभी बात कर सकते हो? उसके पीए से नहीं कर सकते आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोग यहाँ आगे हैं, पूछना नहीं चाहिए सर, सैलरी क्या ले रही है गवर्नमेंट? 90। हाँ बेटा 90,000। अच्छा आपका पर्सनल खर्चा कितने का, स्वयं का, केवल अकेले महीने का? 5-10 मान लो, फिर 80 का एक्स्ट्रा ही ले रहा है। देना चाहिए मैं बताऊं कारण क्या है। ये जो एक्स्ट्रा आदमी पैसा कमाता है अपने परिवार के लिए कमाता है। आपका खर्चा 90,000 नहीं है, लेकिन आपको परिवार देखना है, बच्चे हैं, शादियां होंगी, पत्नी है, गहने हैं, परिवार के लिए करता है। एक्स्ट्रा पैसा? तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, टाटा ने शादी ही नहीं किया। टाटा ने शादी ही नहीं किया। और पता है क्यों नहीं किया? एक इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, टाटा इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर लिया और आपने शादी नहीं किया, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो काम तो आपने किया ही नहीं। तो टाटा का स्टेटमेंट था कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि मेरे को यह सोचने का टाइम नहीं मिला कि शादी भी करना पड़ता है। इसलिए वो लोग अमीर हैं। आप सोचो, जिस आदमी को इतना टाइम नहीं मिला सोचने का कि शादी करना है, इसलिए वो अमीर है। और हमारे पास क्या है, मैं कारण बताऊं आपको, मेरा आंकड़ा नहीं है गवर्नमेंट का, 10 घंटे भारत का आदमी एवरेज काम करता है, 8 घंटे आराम करता है, 2 घंटे नहाना पूजा पाठ, हर आदमी की 20 घंटे की रूटीन लाइफ है। और भारत के ज्यादातर लोग 4 घंटे को वेस्ट करते हैं, जहां एक सेकंड का भी कीमत होता है 4 घंटा खराब हो गया। सबसे ज्यादा ये खराब हो रहा है टीवी देखने में। मैं टीवी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं टीवी के सपोर्ट में भी हूं।
भारत की संस्कृति को सबसे बड़ा बिगाड़ने का रोल किसका है? टीवी कि जितनी भी नई फैशन आ रही है किसने दी? टीवी। ये जो कपड़ों की साइज छोटी होती जा रही है सबसे बड़ा रोल इस टीवी का। आप देखो 30 साल पहले कपड़े यहां तक पहनते थे, अभी फिर 10 साल बाद यहां हो गए, फिर यहां हो गए, अभी मेरे को नहीं पता कहां तक जाएंगे। लेकिन ये किस तरह है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये हर 20 साल में छोटे हो रहे हैं। सब टीवी का देन है और ये 4 घंटा भारत का आदमी टीवी देखता है। और जितने भी पति दुखी है ना इस भारत में, सबसे बड़ा रोल इस टीवी का है। मैं बताऊ आज पति की हालत कैसी करती है इस टीवी का, करो थोड़ा क्लियर। त्योहार पे वो बकरा काटता है, इसी त्योहार पे जब वो बकरे को काटते हैं तो ध्यान से सुनना, जिस बकरे को काटा जाता है उसको 1 महीने पहले से तैयार किया जाता है, उसको अच्छा चना गेहूं गुड़, तभी से वो बकरा टेंशन में आ जाता है यार गड़बड़ तो है, बाकी को घास नहीं मिल रहा और मेरे को अगर चना गुड़ दिया जा रहा है गड़बड़ तो है। वो ही हालत आज टीवी ने पतियों की कर दी। पति दिन भर काम करता है, पत्नी काम घर का काम करके दिन भर टीवी देखती है और टीवी में एक चीज को 50-50 बार रिमाइंड कराते हैं, इतना दिखाते हैं और कह देते हैं आखिरी में वो मजबूर कर देते हैं, लिस्ट में लिख लो कल मंगवाना है। लिख लिया उसने। अब जैसे शाम को पति घर में एंटर होता है, अब इसको वो मंगवाना है ना प्रोडक्ट, तो पहले से ही मेज के ऊपर चाय पानी बिस्किट नमकीन सब तैयार। जैसे ही वो देखता है वो समझ जाता है देखते इसका तो दिमाग खराब हो गया, पत्नी समझ गई क्या गड़बड़ है। वो पास में जाके बोलती है शायद आज आपका मूड ठीक नहीं है। ठीक ही था देख के खराब हुआ, ये तो अच्छे मूड से आया था। अब उसको वो डिमांड पूरी करानी है तो फिर धीरे में पास में जाके बोलती है ऐसा करो ये चाय तो ठंडा हो गया, मैं एक और कड़क चाय लाता हूं। अच्छा उसको भी पता है जो खिलाना है खिला दो पहले, क्योंकि सुनने के बाद कुछ खा भी नहीं पाएगा क्योंकि डिमांड सुन के नहीं खा पाएगा, तो जो खिलाना है पहले ही खिलाओ। और कुछ लाती है बिस्किट मिठाई, खाने के बाद उसको बोलती है पास में बैठ के बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, वो बोलता बताओ। जब कल ऑफिस से आना तो वो बीच में एक दुकान है लाल चौक पे, वहां से कल्पना नाम की साड़ी ले आना। ठीक है ले आके। कितने की है? मात्र 13,000। क्या लगता है रात को भूख लगेगी इसको? इसको 3 दिन भूख नहीं लगेगी अगले। किसने किया ये? टीवी या बुजुर्ग बैठे? क्या आज जब टीवी नहीं थे घर में कपड़े नहीं आते थे? और पता क्या नाम थे? कॉटन टेरिकोट पॉलिस्टर। आज सब गायब हो गया, आज नाम से आते ऐश्वर्या साड़ी कल्पना साड़ी जूही साड़ी। बच्चे ब्रांडेड चीजों की डिमांड करते हैं घर से, पिता की इनकम नहीं है वो ब्रांडेड कुछ देख रहा है, उसमें मोबाइल देख रहा है बाइक देख रहा है, सब ये तमाशा टीवी ने किया। मैं थैंक्स देता हूं उस गॉड को और इस सिस्टम को, उसने मेरा 16 साल से टीवी छुड़ा दिया, आपने 16 साल से टीवी नहीं देखा। देखो अगर बहुत कुछ पाना है कुछ तो खोना पड़ेगा, बहुत कुछ पाना है कुछ तो खोना पड़ेगा। आज पता है फैशन बन गई जन्मदिन मनाने की, गुलाटी सा बच्चे का मनाते हैं, अपना मना रहे हैं, पत्नी का मना रहे हैं, अपने माता पिता का मना रहे हैं। मैं जन्मदिन के विरोध में नहीं हूं लेकिन मैं सपोर्ट में नहीं हूं। क्या जन्मदिन मनाना? आपकी जिंदगी के साथ कम हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? 20 साल निकल के केक काट रहा है क्यों? आ रहा हूं मैंने आज तक अपना जन्मदिन नहीं मनाया, हालांकि मेरे बच्चे मनाते हैं, मैं उनको भी डांटता हूं यार बेटा क्या जन्मदिन, 50 साल का हो गया जन्मदिन मना रहा है, खुश हो रहा है केक काट रहे क्यों?
मैं कहता हूं क्या होगा उसमें आदमी चार दिन खराब करता है, घर को सजाता है, केक बनवाता है, बलून टांगता है और तैयारी करता है और सजावट करता है और बुला के अच्छे लोगों को खाना खिलाता है। क्या लगता है वो खाना खाने के बाद दुआएं देंगे आपके बच्चों को? अगर दाल में नमक तेज रह गया ना, खाली दाल तो पता है क्या पार्टी थी? वो पार्टी थी, दाल नहीं थी। अरे तू कोने में 20 गुलाब जामुन दाब गया उनका तो चिकन था उधर मुंह करके खा रहा था, 20 खाने तूने, उनकी कोई बात नहीं कर रहा, वो नमक तेज था। मैं कहता हूं उस पैसे से किसी गरीब बच्ची की शादी करवाओ, वो आपके बच्चे को जिंदगी भर देगा। मैं थोड़ा क्लियर करता हूं इस पिक्चर को, बड़े ध्यान से समझना। मैं किसी प्रोफेसर के विरोध में नहीं हूं इन चीजों के। आपको पता है धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? Yes. इनकी पत्नी का पहला जन्मदिन था, बड़े ध्यान से सुनना, फर्स्ट जन्मदिन। बहुत बड़े उद्योगपति, इंडिया फर्स्ट उद्योगपति, तो बड़ी तैयारियां थी, 2 महीने से बड़ी सजावट है, पूरे इंडिया से लोगों को इनवाइट किया गया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिश्तेदार। हमारे यहाँ एक भारतीय संस्कृति है, अगर एंड टाइम पे घर का मुखिया गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? आप सब मेहमानों को अपने घर बुला लो और लास्ट टाइम पे आप भाग जाओ। लोग गलत नहीं बोले। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, 2-3 बचे जन्मदिन के, कल जन्मदिन है शाम को, और आज धीरू भाई के पास फोन आता है आउट ऑफ इंडिया से, धीरू भाई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है अगर आप 1 घंटे में इंडिया छोड़ सकते हो। बहुत बड़ा संकट था, 2 महीने से तैयारी, पहली बार पूरे इंडिया को इन्वाइट किया गया। तो 2 रास्ते थे, या तो वो चले जाए या वो रुक जाए, और पत्नी का था, उनका होता और भी सोच सकते थे। तो उन्होंने पत्नी से पूछा मेरे को क्या करना चाहिए। अच्छा, पत्नी भी समझदार थी क्योंकि धीरू भाई की थी, तो उसने गोल मोल उत्तर दे दिया, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर वो कहते चले जाओ तो वो कहते थे तूने कहा था तेरे जन्मदिन पे चले जाओ, मैं चला गया, और वो मना करते तो वो कभी भी कह सकते थे एक बहुत बड़ा नुकसान तूने मेरा करा दिया। तो उसने कौन बोल उत्तर दे दिया जैसा आपको अच्छा लगे। 5 मिनट बाद फिर कॉल आता है, धीरू भाई क्या फैसला है आपका, क्या ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया जाए या आप लेना चाहते हैं? धीरू भाई बोलते मैं 1 घंटे में इंडिया छोड़ लूं। पत्नी की आंख में आंसू आ गए, तो उन्होंने कहा मिले मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगा, 7 घंटा मेरे को जाने में लगेगा, 7 आने में लगेगा, और कल शाम को मैं आपकी पार्टी में रहूंगा, आप रिलैक्स रोए नहीं। बोले मेरे को नहीं लगता। बोले नहीं, मेरा सुबह एग्रीमेंट है, बात हो गई। धीरू भाई चले गए और उन्हें पता था मैं कल आ नहीं पाऊंगा क्योंकि एग्रीमेंट कल शाम का था, और उस समय वो पत्नी को रिलैक्स करके चले गए। अब दिन भर मीटिंग चला तो स्विच ऑफ था। जन्मदिन के 1 घंटे पहले धीरू भाई की पत्नी ने रूम में जाकर उनको कॉल किया, कहां हैं आप? तो समझ गए, उन्होंने कहा सॉरी मैं अभी इंडिया नहीं पहुंचा, मैं अब निकलूंगा इंडिया के लिए। बोले आपने तो कहा था मैं दोपहर में। बोले नहीं, वो मीटिंग लेट हो गया, एग्रीमेंट लेट हुआ, और रिलैक्स आप अपना जन्मदिन मना। फिर भाई की पत्नी ने फोन काट दिया, फिर उन्होंने वापस फोन किया धीरू भाई ने, और जो लाइन गई उनको ध्यान से सुनो। धीरू भाई ने कहा मेरे को दुख है इस बात का कि मैं आज तुम्हारे जन्मदिन में नहीं हूं, मैंने कुछ खोया है लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए। आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पे होता तो मैं तुम्हें 1 लाख की कोई रिंग गिफ्ट कर सकता था, उस समय का 1 लाख आज का 1 अरब होता है।